जिंदनी الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما मोहतरम हज़रात मस्जिद रहीम खान में हर इतवार बाद नमाज़ शाम अहम अहम दुरूस मुनक़िद होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए अल्लाह ताला ये सिलसिला दराज फरमाए। और इससे भी बढ़कर बेहतर ये बात है कि इस मस्जिद से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीनी दावती तालीमी तरबियती वगैरह दीगर काम अंजाम पाते हैं। मैं एक मर्तबा गुंतकल में नमाज़े जुमा के लिए खुतबे जुमा के लिए हैदराबाद से गुंतकल का कस्त किया गुंतकल गया था। वहाँ पर लोग इस मस्जिद और इस मस्जिद के खुतबा से काफ़ी खुश हैं और काफ़ी मुतासिर हैं। मैं नमाज जुमा पढ़ाकर जब महफिल में बैठा तो लोग तकरीबन दसियों लोग थे, 50 के करीब लोग थे। उन लोगों ने शेख अब्दुल अज़ीज़ साहब का एक वीडियो मुझे दिखाया और कहा कि हम अल्लाह की खातिर इनसे मोहब्बत करते हैं, और ये भी कहा कि हम शेख से मुलाकात करने के ख्वाहां हैं, क्या हम हैदराबाद आने के बाद शेख से आप हमारी मुलाकात कराएंगे। तो मैंने कहा जी आइए इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करके आपसे मुलाकात कराऊंगा। और आज ही अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं लोगों का फ़ोन आया और आज ही अल्हम्दुलिल्लाह पूछ रहे थे यहाँ के ताल्लुक़ से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूलियत बख्शी है और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इसी तरह यहाँ के मस्जिद के जो खसीब हज़रात हैं जैसे शकील साहब और अज़ीज़ साहब अल्लाह ताला दीन की खिदमत लेता रहे, आमीन। मोहतरम हजरात आज मुझे मौका दिया गया जवाल उम्मत के असबाब के ताल्लुक से चंद बातें आपके गोशे गुजार करूं, चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने पेश करूं। मैं इंशाल्लाह दो तीन
बुनियादी असबाब जवाले उम्मत के बताकर अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। दुनिया में जितनी भी कौमें वजूद पदेर हुई, जितनी भी कौमें आईं और हलाक हुई, तबाह हुई, बर्बाद हुई, उसकी वजह उनके आमाल, बुरे करतूत, सय्यात और उनके ख़ताए हैं। चाहे वो कौम समूद हो, कौम नूह हो, कौम आद हो और दीगर जो भी अक्वाम साबिका है, उनके हलाक होने का एक बुनियादी सबब उनके गुनाह, उनके नाफरमानियाँ, उनके सय्यात, उनके ख़ताए हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इन अक्वाम को सफ़े हस्ती से मिटा दिए। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कौम समूद के ताल्लुक से, वह अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्तागिया, इनकी सरकशियों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से इस कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त तरीन आवाज़ के ज़रिए हलाक कर दिया। और कौमियात, कौमियात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेज़ और तन सख्त हवाओं के ज़रिए हलाक किया। कौम समूद को तेज सख्त आवाज़ के ज़रिए हलाक किया। कौम आद के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया वह अम्मा आदुन फ़अहलिकु बिरीहिन सरसरिन आतिया, तेज़ और तन सख्त हवाएँ उनकी नाफरमानियों की वजह से उन पर मुसल्लत कर दी गई। तकरीबन कई दिन और कई रातें ये हवाएं उन पर मुसल्लत कर दी गईं, जिसकी वजह से ये हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन पर उनके पड़ने की मिसाल खजूर के बड़े बड़े तनावर दरख्त से दी है। फरमाया कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया फहल तरा लहुम मिन बाकिया, जब इन्होंने नाफरमानी की, सरकशी की, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बगावत किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ज़मीन पर यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा ज़बरदस्त अजाब उन पर भेजा और ऐसी सख्त हवाएं उन पर मुसल्लत कर दी, जिसकी वजह से ये तबाह बर्बाद हो गए। और जिस तरह तूफान आने के बाद खजूर के बड़े बड़े दरख्त ज़मीन पर पड़ जाते हैं, उनकी लाशें ज़मीन पर ऐसी बिखर पड़ी थी। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, क्या वो आज जमीन पर बाकी हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी नस्ल ही को मिटा दिया, इनका वजूद ही खत्म हुआ। तो एक बात हमें मालूम हुई, जितनी भी कौमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया से पहले हलाक किया, उसका एक सबब बुनियादी क्या था? खताएं, नाफरमानियां, शिरक का इर्तिकाब और अपने रसूलों की नाफरमानी करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करना। और ये उम्मत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सरबरा हैं, इस उम्मत के इमाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम लाया, लोगों को इस्लाम की दावत पेश की, तो सहाबाए कराम ने इस्लाम को कबूल किया। और उस जमाने में इस्लाम बड़े ही इर्तिका पर था, इस्लाम बड़ा मजबूत था, इस्लाम बड़े तकवियत में था। क्यों? इसलिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलके में रहकर जिन लोगों ने तरबियत हासिल की, उन लोगों को सहाबा इकराम के नाम से जाना जाता है। सहाबा इकराम ने इस्लाम की तबलीग की, लोगों के सामने दावत को पेश किया और जगह जगह, या अरब हो अजम हो, इस्लाम को फैलाने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी काविश की, बड़ी जुद्दोजहद की।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की, इताअत इलाही और इताअत रसूल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को बहुत ही बुलंद मर्तबा अता फरमाया। और ये उम्मत अपने इब्तिदाई अदवार में बड़े ही इर्तिका और उरूज पर थी, मगर आज का अगर हम मुशाहदा करें, गौर व फिक्र करें, तो पता चलता है उम्मत का जो मर्तबा था, मकाम था, जो उरूज व इर्तिका था, आज वो तनज़ुली में तब्दील हो गया है। वो मकाम वो मर्तबा आज हमारा नहीं है, जो मकाम जो मर्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमानों को हासिल हुआ था, जो मकाम जो उरूज जो इर्तिका इस उम्मत मुहम्मदिया को सहाबा इकराम के जमाने में हासिल हुआ था, ताबेईन तबे ताबेईन के जमाने में हासिल हुआ था, असलाफ इकराम के जमाने में इस उम्मत को जो उरूज हासिल हुआ था, आज अगर हम नजर दौड़ाएं तो वो उरूज वो इर्तका हमें नजर नहीं आता, बल्कि उम्मत मुस्लिमा जवाल की तरफ गामजन है, तनजुली की तरफ गामजन है। उसके क्या वजूहात हो सकते हैं? उसके बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे वजूहात हैं। तो बुनियादी तौर पर दो तीन बातें मैं बताकर अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सबब कुरान और मजीद से दूरी इख्तियार करना। जमाने जाहिलियत की तरफ आप नजर दौड़ाएं, हर गुनाह उनके अंदर मौजूद था, जिना करते थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे, अपनी माओं से इस्मतों से खेला करते थे, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे, शराब आम, जुआ आम, हर तरह की इनमें बुरी आदतें पैवस्त थीं। ऐसे माहौल में, ऐसे पुरफितन दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी रुश्दो हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत करते रहे, कुरान मजीद नाजिल हुआ। इसी कुरान मजीद की बरकत की वजह से सहाबा इकराम के अंदर जबरदस्त इनकलाब पैदा हुआ। सहाबा इकराम जो बुराइयां जमाने जाहिलियत में क्या करते थे, इस्लाम आने के बाद कुरान मजीद की तिलावत के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद उन गुनाहों को छोड़ दिया। कुरान ने उनके अंदर ऐसा जबरदस्त इनकलाब पैदा किया, अगर कोई गलती करता या गुनाह किसी से सरजद हो जाता, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते और कहते या रसूल अल्लाह फला गुनाह मुझसे सरजद हुआ है, हद नाफिज करें और मुझे पाक करें। ये इनकलाब जो पैदा हुआ कुरान मजीद की वजह से पैदा हुआ, और कुरान मजीद पर अमल करके, कुरान मजीद को अपने सीने से लगा के सहाबाए कराम ने दुनिया में हर जगह पर उरूज व इर्तिका हासिल किया। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला के ताल्लुक से आता है, उन्होंने अपने जमाने में तकरीबन 23 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक इस्लाम की हुकूमत को नाफिस किया था। आज मुसलमान इस कुरान मजीद से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। हाल तो यह है कि यह कुरान मजीद जिसके जरिए इंसानों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा होता है, आज ये कुरान मजीद मिंबरों महराब में बसे हुए हैं, आज ये कुरान मजीद जुजदानों हरीरों रेशम में लपेटे हुए रखे गए हैं। कुरान पढ़ना तो गवारा नहीं, जब किसी तनाजा पैदा हो जाता है, कोई मामला पैदा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है, कसम खाने के लिए मिंबर से महराब से कुरान को उठाया जाता है और उठाकर हाथ रखकर उस पर कसम हलफ लिया जाता है। मगर
قرآن مجید کا ایک صفحہ آدھا صفحہ پڑھنا ہم گوارا نہیں کرتے. اگر آج ہم سے سوال ہو جائے کیا ہم ہر روز قرآن مجید کی تلاوت بغیر ناغا کسی دن کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی شاذ و نادر ہی بتائے. قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین نے آج ہمیں پسپا کر دیا ہے, ذلیل و رسوا کر دیا ہے. آج مسلمان پسے جا رہے ہیں, مسلمان پریشان ہے. اس پریشانی کی وجہ سب سے بڑی ہم قرآن مجید سے منہ موڑ لیا ہے, قرآن مجید کو ہم نے اپنی زندگیوں سے دور کر دیا ہے. حالانکہ اس قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہر لڑائی کا فیصلہ صادر فرمایا ہے. اگر لڑائی ہو جائے, تنازع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, تو قرآن مجید کے مطابق فیصلے کرنے کے بجائے آج ہم عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں, پولیس اسٹیشنوں کے چکر کاٹتے ہیں, اور ان کی جانب سے دیے گئے فیصلوں کو بسر و چشم قبول کر لیتے ہیں. یہ قرآن مجید سے دوری کی وجہ ہے. اگر قرآن مجید سے دوری نہ ہوتی, قرآن مجید کی صحیح طور پر تلاوت کی جاتی, قرآن مجید کو دل میں بسایا جاتا, تو ہمارا ہر معاملہ, ہر لڑائی, ہر جھگڑے کا فیصلہ ہم قرآن مجید کے مطابق کرتے. اور یہ قرآن مجید دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہے. دنیا میں تورات, زبور, انجیل اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق تقریباً 104 کتابیں نازل ہوئی. ان 104 کتابوں میں جو مقام, جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بخشا ہے, ایسا مقام و مرتبہ کسی کتاب کو نہیں بخشا. اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے اللہ رب العالمین ہیں, اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے لی ہے. سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نہیں لی, مگر ہاں قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن تک لے رکھی ہے. کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس کتاب کو, اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا قیامت تک کوئی بھی شخص قرآن مجید کا ایک حرف نہ کم کر سکتا ہے, نہ قرآن مجید میں کوئی ایک حرف زیادہ کر سکتا ہے. یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے. اور اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, جب یہ قرآن مجید کی تلاوت مومنوں کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. یہ قرآن مجید کا مرتبہ ہے, مقام ہے, اس کی فضیلت ہے, اس کی اہمیت ہے. دنیا کی دیگر کتابیں پڑھنے سے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا, ایمان میں بڑھوتری نہیں ہوتی, مگر قرآن مجید وہ واحد اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آج نوجوان, بالخصوص نوجوان طبقہ چین و سکون کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں کے آلات استعمال کرتے ہیں, گانے سننا اور مختلف طریقوں کو اپنا کر چین و سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ نسخہ قرآن مجید میں بیان فرمایا اے دنیا کے انسانوں, چین و سکون پانے کے لیے کہاں بھاگ رہے ہو؟ چین و سکون پانے کے لیے تم کن کن چیزوں کو استعمال کر رہے ہو؟ آ جاؤ اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف, آ جاؤ قرآن کی طرف, قرآن مجید کی تلاوت کرو, قرآن مجید کے مطابق فیصلے کرو, قرآن مجید کے مطابق عمل کرو, تمہیں سکون نصیب ہو جائے گا. کہا الا
इला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करने से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की तिलावत करने की वजह से तुम्हारे दिल मुतमइन हो जाते हैं, तुम्हारे दिलों को चैन और करार आ जाता है। मगर अफसोस है इंसानियत पर, बिलखसूस नौजवान तबके पर, कुरान मजीद की तिलावत करने की बजाय, कुरान मजीद के अहकाम के मुताबिक अमल करने की बजाय, कुरान मजीद से मुंह मोड़कर गानों को सुनना और फिल्मी हीरों को अपना आइडियल बनाना उनका वतीरा उनका सेवा बन चुका है। इसी वजह से आज हमारे दिल बड़े सख्त हो गए। कुरान मजीद की तिलावत होती है, बाज़ दिल घबरा जाते हैं और बाज़ दिल चट्टान की तरह हो जाते हैं। कितनी भी आयतों की तिलावत उन पर बरस जाए, उनके दिल टस से मस नहीं होते। इसकी वजह क्या है? गुनाह। गुनाहों का आम होना, गाना सुनना, बजाना, फिल्मी हीरों को पसंद करना, इसकी एक सबसे बड़ी वजह है। कुरान मजीद ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو انزلنا هذا القران اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اللہ رب العالمین کی خشیت سے اللہ رب العالمین کے خوف سے اللہ رب العالمین کے ڈر سے یہ پہاڑ جو سخت ہے یہ پہاڑ جو چٹان کی طرح ہے اللہ رب العالمین کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ذرہ ذرہ ہو جاتا مگر انسان کو دیکھو انسان پر قرآن مجید نازل ہوا ہے انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے مگر اس کے دل تھرا نہیں جاتے اس کے دل نہیں کپکپاتے اس کے دل نہیں ڈرتے اس کی وجہ کیا ہے یہ گناہ ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته سمجھیں اللہ رب العالمین نے جو مثال بیان کی کس کی بیان کی پہاڑ کی اور پہاڑ کیفیت میں کیسا ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے بڑا سخت اور اس پہاڑ کو اس کے جگہ سے اس کے وجود کو تو مٹایا نہیں جا سکتا اس کو ختم کرنے کے لیے کئی کئی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا پہاڑ کا کچھ حصہ کاٹنے کے لیے توڑنے کے لیے کئی کئی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا سال ہا سال گزر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین مثال پہاڑوں کی دے رہے ہیں آج ہمارے دل یقینی معنوں میں پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں پہاڑ ٹل جائے تھرا جائے کپ کپا جائے ریزہ ریزہ ہو جائے ذرے ذرے ہو جائے مگر انسان کا دل دیکھیے سختی میں پہاڑ سے بھی زیادہ آگے گیا ہے او اشد قسوہ او اشد قسوہ تو ضرورت اس بات کی ہے قرآن مجید کو پڑھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارا کھویا ہوا وقار ہماری کھوئی ہوئی ترقی ارتقاء عروج ہمیں دوبارہ مل سکتا ہے ہمارا مرتبہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھیے حدیث ملاحظہ فرمائیں اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ لوگو تم قرآن کو پڑھو کیوں فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اس لیے کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن صاحب قرآن کے سلسلے میں سفارشی بن کر آئے گا غور فرمائیں قیامت کا دن کیسا دن ہے بہت ہی ہولناک منظر ہوگا لوگ پریشان کھڑے ہوں گے بھوکے پیاسے نفسی نفسی کے عالم میں اللہ رب العالمین کے سامنے بڑے عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں گے ارے انسان تو انسان اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی بڑے تھرا کر کپ کپا کر
परेशानी के आलम में रब्बुल आलमीन के सामने सफ बसफ खड़े होंगे। फरमाया यौम यकूमुर रूह वल मलाइकातु सफ्फन ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर सारे फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सफ बसफ बनाकर खड़े हो जाएंगे, किसी में जबान खोलने की जुर्रत भी नहीं होगी। इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान, मगर जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाजत दे वो ठीक ठीक बात करेगा, सही बात कहेगा। ऐसे हैबतनाक मंजर में कयामत के दिन कुरान सफरिशी बनकर आएगा। कुरान पढ़ने वालों की यह फजीलत है, कुरान के मुताबिक अमल करने वालों की यह फजीलत है, कुरान मजीद के मुताबिक फैसले करने वालों की यह फजीलत है। और वो दिन ऐसा दिन होगा, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतीही व बनी। कल कयामत का दिन होगा, एक माँ अपने बेटे को देखकर भागेगी, एक बाप अपने बेटे को देखकर भागेगा, लोग एक दूसरे को देखकर भाग खड़े होंगे, एक दोस्त अपने दोस्त को देखकर भाग खड़ा होगा। यौम يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه। ऐसे हैबतनाक मंजर में कुरान मजीद आकर सिफारिश करेगा। एक इंसान गुनाह की वजह से, एक इंसान बुरे करतूतों की वजह से, एक इंसान गुनाह की वजह से जहन्नम में जाएगा। इंसानों का फैसला होगा, इंसान जहन्नम में जा रहा होगा, मगर कुरान फइन्नहु यती यौमल कियामति शफीअल असहाबे। कल कयामत के दिन ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आकर सफारिश करेगा, ऐ अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ा करता था, ये बंदा कुरान की तिलावत क्या करता था, ऐ अल्लाह लोग सो रहे होते थे ये बंदा मेरी तिलावत क्या करता था, लोग नाच रहे थे ये बंदा मेरी तिलावत कर रहा होता था, लोग दुनिया की रंगीनियों में मुब्तला थे मगर अल्लाह रातों में जगकर ये बंदा मुझे पढ़ा करता था, ऐ अल्लाह तू इसे माफ फरमा, सफारिश करने के लिए आएगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मीही व अबीही व साहिबतीही व बनी लिकुल इमरी मिनहुम यौमा इज़िन शअनु युग्नी। कयामत के हैबतनाक वाले दिन को कुरान मजीद ने एक और मकाम पर फरमाया يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى। कल कयामत का दिन होगा, एक मुजरिम की आरज़ू क्या होगी, गौर फरमाए। आज जो मुजरिमीन है आज उनकी ख्वाहिशें मुख्तलिफ हैं, कोई माल समेटने में लगा हुआ है, कोई जायदाद का मालिक बनने में लगा हुआ है, कोई बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी जमा करने में लगा हुआ है, एक मुजरिम की दुनिया में ख्वाहिश है। मगर कल कयामत के दिन ये सारे आरजुएं, कल कयामत के दिन ये सारी चीजें उनके दिमाग से माकूफ हो जाएगी, माउफ हो जाएगी, और उसकी एक आरजू होगी, वो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी। एक मुजरिम चाहेगा कल कयामत के दिन उस अजाब से बचने के लिए, उस आग से बचने के लिए मैं अपने कुंभों को, अपनी बीवी बेटों को, अपने बच्चों को, जमीन और आसमान की तमाम चीजों को फिदिये में दूं और अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बच जाऊं। मगर यह मुमकिन नहीं होगा, मुजरिम तो चला जाएगा जहन्नम में, मगर जो कुरान मजीद की तिलावत करने वाला होगा, कुरान मजीद को पढ़ने वाला होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ। ये कुरान कल कयामत के दिन साहिब कुरान के सिलसिले में सफारिशी बनकर आएगा, उसके हक में सफारिश करेगा। कितनी बड़ी बात है, आज हम इस कुरान मजीद से मुंह मोड़ लिया है, इस कुरान मजीद से हमने दूरी अख्तियार की है, हालांकि इसकी तिलावत से बड़े फायदे हमें नजर आते हैं, इसको तिलावत करने से दिलों को चैन मिलता है, इसकी तिलावत करने से ईमान में इजाफा होता है, इसकी तिलावत करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे चेहरों पर खुशी के असरात हमारे चेहरों पर मुरतब होते हैं, और इसकी तिलावत करने की वजह से कल कयामत के दिन भी और बड़े फायदे हैं। और
हाफिज बनने की वजह से कल कयामत के दिन माँ बाप के सरों पर ताज होगा। यह फजीलत कुरान मजीद की है। आज हम गौर फरमाएं इस कुरान मजीद के ताल्लुक से हमारा क्या हाल है, क्या हम सही मानों में वो कुरान जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, क्या हम इस किताब को यकीनी मानों में रोजे मुर्रह के मामूलात में तिलावत का मशगला बनाए हैं या नहीं बनाए, क्या हम कुरान मजीद को सही मानों में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, क्या कुरान मजीद को हमने सिर्फ कसम उठाने के लिए समझा है, क्या हमने कुरान मजीद को सिर्फ यह समझा है कि यह किताब सिर्फ हुफाज के लिए है, नहीं, यह किताब किसके लिए है। देखिए शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान हुदल लिन्नास, यह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, नहीं यह सिर्फ हुफाज के लिए है बल्कि तमाम लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल किया है। दुनिया का कोई भी शख्स कुरान मजीद पढ़ना चाहता है तो आए पढ़े और हिदायत पा जाए, कोशिश करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हिदायत से भी सरफराज अता फरमाते हैं, मगर शर्त क्या है, कुरान मजीद को सही तौर पर समझकर पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा। आज बहुत सारे लोग हैं जो हुफाज कुरान को कमतर समझते हैं, उन्हें हकीर निगाहों से देखते हैं, उनके ताल्लुक से तरह तरह के ख्यालात अपने दिलो दिमाग में पैदा करते हैं, समझते हैं कि ये लोग मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनकी क्या औकात है, इनके पास ना पैसा है, इनके पास ना जायदाद है, इनके पास कुछ है ही नहीं है, बेचारे बेचारे समझते हैं, हालांकि बेचारे हुफाज कुरान है बल्कि बेचारे आप खुद हैं, हुफाज कुरान तो बाचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, ऐ लोगों जो हुफाज कुरान को कमतर समझते हैं, उन्हें हकीर नजरों से देखते हैं, उनके ताल्लुक से गुमान करते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे फटी हुई चटाई में पढ़ने वाले, वुजू के लोटों से वुजू करने वाले, और इनकी कोई औकात नहीं है, कोई मर्तबा नहीं, कोई इनकी कोई हैसियत नहीं है, वो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उनके ताल्लुक से क्या फरमाया सुने, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, ऐ लोगों दुनिया में सबसे बेहतर वो आदमी नहीं है जिसके पास बैंक बैलेंस हो, जिसके पास प्रॉपर्टी हो, जिसके पास जायदाद हो, जिसके पास कारें हो, जिसके पास दिरहम और दीनार हो, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास खेतियां हो, जो जमीन वाला हो, जो सरदार हो, जो वजीर आजम हो, जो सीएम हो, ये बढ़कर नहीं है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है, तुम में सबसे अच्छा वो शख्स है जो कुरान मजीद को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, इससे हाफिज कुरान की अहमियत और उसकी फजीलत का अंदाजा बखूबी होता है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक्वामन व यदउ बिही आखरीन। एक मर्तबा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला मक्के का वाली, मक्के का गवर्नर नाफे बिन हारिस को बनाया था। नाफे बिन हारिस को उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने मक्के का वाली गवर्नर बनाया। एक मर्तबा अचानक मकाम गितफान में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला की मुलाकात कहां होती? मकामे गतफान में हजरत नाफिया से होती है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला देखते और अर्ज करते ऐ नाफे, मैंने तुम्हें मक्का का वाली बनाया, मक्का का गवर्नर बनाया,
और तुम अपनी जगह छोड़कर यहां आए हो, यह बताओ अपनी जगह पर किसको छोड़ आए हो? नाफे बिन हारिस ने कहा, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी जगह पर एक गुलाम को छोड़ आया हूं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, क्या अपनी जगह पर, अपने मकाम पर, अपने मर्तबे पर, अपने मनसब पर, उतने बड़े ओहदे पर एक मामूली गुलाम को तुम बिठा कर आए हो समाज में, मुआशरे में जिसकी कोई औकात नहीं है? कहा, मैं अपने गुलामों में से एक गुलाम को बिठा कर आया हूँ, वो इल्म फराइज का जानने वाला है और कुरान मजीद का हाफिज है, कुरान मजीद का उसे इल्म है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने उस वक्त फरमाया, लोगों सच फरमाया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब की वजह से, इस कुरान मजीद की वजह से, इसकी तिलावत करने की वजह से, इसके मुताबिक फैसले करने की वजह से कौमों को उरूज व इरतिका अता फरमाते हैं, लोगों को तरक्की अता फरमाते हैं, और इसी किताब की वजह से लोगों को जलील व रुसवा कर देते हैं। यानी जो शख्स कुरान मजीद के मुताबिक फैसला करेगा, उसकी तिलावत करेगा, उसको अपने दिल में सजा लेगा, उसके मुताबिक फैसले करेगा, उसके अहकाम के मुताबिक अमल पैरा होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को उरूज व इरतिका अता करते हैं, तरक्की देते हैं। और जो शख्स, जो कौम, जो समाज, जो मुआशरा कुरान मजीद से खिलवाड़ करता है, कुरान मजीद को मज़लूम किताब बनाकर रखता है, कुरान मजीद की तिलावत नहीं करता, कुरान मजीद के मुताबिक फैसले नहीं करता, कुरान मजीद के मुताबिक अमल नहीं करता, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को, ऐसे समाज को, ऐसे मुआशरे को, ऐसी कौम को जलील और रुसवा कर देते हैं। और आज हमारी जिल्लत और रुसवाई का एक सबसे बड़ा सबब मुसलमानों का कुरान मजीद से दूरी इख्तियार करना है, कुरान मजीद की तिलावत को तर्क कर देना है, कुरान मजीद के मुताबिक फैसले न करना है, कुरान मजीद के मुताबिक अमल न करना है। और इकबाल ने सच कहा था, वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, और आज हम खार हुए तारीख कुरान होकर, यानी हमने कुरान को छोड़कर जलील और रुसवाई इख्तियार की। तो उम्मत के जवाल के असबाब में से एक सबसे बड़ा सबब कुरान मजीद से दूरी इख्तियार करना है। दूसरा सबब इख्तलाफ, इख्तलाफ। आज उम्मत मुस्लिमा में आप नजर दौड़ाएं, उनके अंदर इख्तलाफी इख्तलाफ, उनके समाज में इख्तलाफ, उनके मुआशरे में इख्तलाफ, उनकी कौम में इख्तलाफ, हर सफ में इख्तलाफ, समाजी एतबार से इख्तलाफ, इक्तसादी एतबार से इख्तलाफ, अखलाकी एतबार से इख्तलाफ, मनसब के एतबार से इख्तलाफ, ओहदे के वजह से इख्तलाफ, मस्जिद के जिम्मेदारों को लेकर इख्तलाफ, इख्तलाफ ही इख्तलाफ, हर जगह इख्तलाफ। और इसी इख्तलाफ की वजह से आज उम्मत मुस्लिमा जवाल की तरफ चल पड़ी है, उनके अंदर इत्तेहाद का फकदान है, इत्तेहाद उनमें नजर नहीं आता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इत्तेहाद और इत्तेफाक की दरस का दरस देते हुए, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون। मदीने में दो कबीले थे, कौन से कबीले? औस और खजरज। ये दो कबीलों की तारीख है। इस्लाम मदीना आने से कबल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यसरिब आवरी से पहले ये दोनों कबीले लड़ा करते थे, कत्लो गारतगरी का मुजाहरा करते थे, आपस में भिड़ जाते थे, हमेशा लड़ा करते थे, बल्कि इनकी लड़ाई
सैकड़ों साल से जारी थी। इस्लाम आया, इस्लाम आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल बाद मक्का से मदीना हिजरत कर गए और वहां के इन दोनों कबीलों को दावत पेश की तो दोनों कबीलों ने इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम की कबूलियत की वजह से इन दोनों के दिलों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई। हमेशा बाहम उल्फत व मोहब्बत का मुजाहरा किया करते थे। एक यहूदी का वहां से गुजर हुआ, उसने देखा और दिल ही दिल में सोचा कि कल तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ये कबीले वाले तो एक दूसरे से लड़ा करते थे, भिड़ा करते थे और हमेशा उनके दरमियान खून वाली जंग जारी रहती थी, मगर जब मोहम्मद मदीने में आए, इस्लाम मदीने में आया तो इस्लाम की बरकत की वजह से ये दोनों बाहम उल्फत मोहब्बत का मुजाहरा कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। लिहाजा उसने एक शायर का इंतखाब किया और कहा कि जाकर शेर व शायरी फूंक कर उनके दरमियान इख्तलाफ पैदा करो। वो शायर गया और जाकर जमाने जाहिलियत के जो उनके लड़ाई थी उसका तस्करा शेर व शायरी के अंदाज में किया। जैसा ही उसने ऐसा किया दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ, उनके जज्बात बरंगेख्ता हो गए और एक दूसरे को गालियां देना शुरू की। करीब था कि उनके दरमियान जंग और जिदाल शुरू हो जाए, तलवार जनी शुरू हो जाए, हमला शुरू हो जाए, कत्लो गारतगरी शुरू हो जाए, मगर ऐन मौके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ औस और खजरज माबैन खड़े हुए हैं, लड़ाई के लिए मद्दे मुकाबिल खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागते भागते हुए, दौड़ते दौड़ते हुए इनके दरमियान गए और जाकर उनकी लड़ाई के दरमियान सुलह करवाई। तब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, कहा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाह। ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानो, ऐ सहाबा कराम, ऐ ईमान वालो, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, पूरे मुसलमान मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, और क्या ना करो, इख्तलाफ मत करो, तफर्रुका पैदा मत करो। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत को याद करो। नबी की आमद से कबल तुम्हारे दरमियान लड़ाई थी, तुम्हारे दरमियान अदावत थी, तुम्हारे दरमियान बगावत थी। इज कुंतुम अदा, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا। नबी मक्का से हिजरत करके मदीने के तरफ आए, तुमने इस्लाम को कबूल किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत के वजह से तुम भाई भाई बन गए। فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिलों में प्यार डाल दिया, उल्फत व मोहब्बत को डाल दिया और तुम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन गए। फअसबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तुम लोग दुश्मन थे मगर अब भाई भाई बन गए। वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, तुम आग के गड़े के किनारे पहुंच चुके थे। फअनकज़कुम मिनहा, तो अल्लाह ताला ने तुमको उस गड़े से बचा लिया, उस अजाब से बचा लिया, उस आग से बचा लिया। तो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद व इत्तेफाक का दरस दे रहे हैं और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया यहूदियों के ताल्लुक से, वला तकुनु कल्लदीन तफर्रकू वख्तलफू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात। मुसलमानों, तुम यहूद व नसारा की तरह ना हो जाना। क्यों? वला तकुनु कल्लदीना, उन लोगों की तरह ना हो जाना जो दलाइल आने के बावजूद, बय्यिनात के आ जाने के बावजूद भी जिन्होंने इख्तिलाफ किया, इंतशार से काम लिया, उनके तरह तुम ना हो जाना। वो उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, यहूदियों के लिए दर्दनाक अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखा है। और साबिका उम्मतों को हलाक करने की एक सबसे बड़ी वजह इख्तलाफ,
इख्तिलाफ की वजह से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबिका उम्मतों को हलाक किया, और आज इस उम्मत मुस्लिमा में भी हर मसाइल में इख्तिलाफ, मसलकों में इख्तिलाफ, मसाइल में इख्तिलाफ, लड़ाई, झगड़ा, तनाजा, एक दूसरे को काफिर कहना इनका वतीरा बन चुका है। हालांकि ऐसा होना चाहिए, बात देखी जाए, नबी की बात है या गैर नबी की बात है, मासूम की बात है या गैर मासूम की बात है, इमाम उल अंबिया की बात है या फिर किसी गैर शख्स की बात है, गैर नबी की बात है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, पेशेंगोई दी थी, कहा था कि मेरी उम्मत में 73 फरके बटेंगे। फरमाया अल्लाह के नबी ने, इन बनी इसराइल तफरकत अला इसनैन व सबईन मिल्ला व तफतरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बटी, व तफतरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक मिल्लत होगी, एक जमात होगी जो जन्नत में जाएगी और बाकी सब जहन्नम में चले जाएंगे। सहाबा इकराम ताज्जुब में पड़ गए, कहा ऐ अल्लाह के नबी, वो कौन सी मिल्लत है, वो कौन सी जमात है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा अना अलैही व सहाबी, जिस दीन पर, जिस मनहज पर, जिस तरीके पर मैं और मेरे सहाबा हैं, वो गिरोह जन्नत में जाएगा। और आज गौर फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नबी के सहाबा के सलफ के मनहज पर, तरीके पर इस दुनिया में सही तौर पर अगर कोई गामजन है तो अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से अहलुल हदीस है। अहले हदीसों के नजदीक दलील की बात होती है। देखा यह जाता है, क्या यह बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया नहीं? अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की हो, बात कही हो, तो वो बात हमारे सर आंखों पर है। अगर किसी इमाम की, किसी मुजतहिद की कोई दलील हो जो ज़ईफ पर मबनी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस उसमें तफरीक पैदा करते हैं कि यह हदीस ज़ईफ है, यह हदीस सही है, सही हदीस को कबूल किया जाएगा और ज़ईफ हदीस को रद्द किया जाएगा, मौज़ू हदीस को रद्द किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ला तज़ालु ताइफतु मिन उम्मति ज़ाहिरीन अलल हक ला यज़ुर्रुहुम मन खालफहुम वला मन खज़लहुम हत्ता यातिया अम्रुल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक ऐसा गिरोह कयामत तक वाक़ रहेगा जो हक पर रहेगा, कोई भी उनका बाल बेका नहीं कर सकता, मुखालिफिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कयामत आ जाएगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ताइफ़े मंसूरा से मुराद अहले हदीस नहीं है तो फिर मैं नहीं जानता वो कौन है। तो पता चला अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सही तरीके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के तरीके पर, मनहज पर गामजन है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला क़यामत की सुबह तक अहले हदीसों को इसी तरह गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए। इख्तिलाफ की एक बड़ी वजह, इख्तिलाफ बहुत मसाइल की वजह से होता है, बहुत वजूहात की बिना पर होता है, मगर उम्मत मुस्लिमा में जो इख्तिलाफ रूनमा हुआ है वो इख्तिलाफ दो वजूहात की बिना पर है। बुनियादी तौर पर एक मसाइल में इख्तिलाफ, एक अकाइद में इख्तिलाफ। मसाइल का इख्तिलाफ अलग चीज है, मगर अकाइद में इख्तिलाफ कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अकाइद के ताल्लुक से वही बात काबिल कबूल है जो बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाई, और कुरान मजीद के मुताबिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने उसकी तफसीर फरमाई है, वही बात काबिल कबूल होगी और इसके अलावा दूसरी बातें काबिल तरजीह नहीं होगी। लेकिन हमारा इख्तिलाफ मसाइल में भी शदीद इख्तिलाफ हो गया है। मसाइल में इख्तलाफ होने की वजह से हम एक दूसरे को काफिर करार दे रहे हैं, एक दूसरे
दूसरे को गैर करार दे रहे हैं, हालांकि बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। बात यह होनी चाहिए, क्या यह मसला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है या नहीं बयान किया है, यह देखा जाएगा। देखा यह जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सही है या फिर किसी इमाम की, किसी वली की बात सही है। जितने भी इमाम अइम्मा इस दुनिया से गुजरे हैं, उन तमाम लोगों ने यही कहा है कि बात अगर नबी की आ जाए, नबी की बात के मुखालिफ हमारी बात आ जाए, हमारी बातों को दीवार पे मार दो और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अपने सर आंखों पर रख लो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया, इदा जा असहल हदीस फहुआ मजहबी, जब कोई सही हदीस आ जाए वो मेरा मजहब है, वो मेरा दीन है, मेरा इस्लाम है। यानी मेरी बातों को छोड़ दो, जो मेरी बातें सही हदीस से मुखालिफ हैं उन बातों को उठाओ, दीवार पे मार दो और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अपनाओ, उनकी बात के मुताबिक, उनके कौल के मुताबिक, उस हदीस के मुताबिक अमल करो। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الاوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث اخذوا। امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے فرمایا, لوگو میری تقلید مت کرو۔ آج مسائل میں بڑی اختلاف کی بڑی وجہ تقلید ہے۔ تقلید کی وجہ سے آج ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے۔ تقلید کا مطلب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہٹایا جائے، ان کے قول کو چھوڑا جائے اور کسی امام، کسی ولی، کسی بزرگ کی بات کو، کسی بزرگ کے قول کو مانا جائے، یہ تقلید ہے۔ یہ کیسے معیار ہو سکتا ہے؟ حالانکہ امام اکرام نے روکا ہے تقلید سے۔ کیا کہا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے؟ لوگو نہ میری تقلید کرو، نہ امام مالک کی تقلید کرو، نہ شافعی کی تقلید کرو، نہ اوزاعی کی تقلید کرو، نہ ثوری کی تقلید کرو، خود من حیث اخذو، علم کو وہاں سے حاصل کرو جہاں سے ان ائمہ نے علم کو حاصل کیا ہے۔ ایسا کرنے سے اختلاف چھٹ جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا، صحیح حدیث حاصل ہو جائیں گی اور جو باتیں غیر نبی کی ہیں اور جو باتیں نبی کی ہیں اس میں تفریق پیدا ہو سکتی ہے، صحیح سمجھ آ سکتی ہے، نبی کی بات کو لیا جا سکتا ہے اور ائمہ کی بات کو جو نبی کی بات کے مخالف ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ائمہ کرام نے بھی تقلید سے منع کیا اور کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپناؤ۔ اور یہ معیار خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اختلاف یہ لازمی امر ہے، اختلاف ہونا یہ طے ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، مگر اس کا معیار کیا ہوگا، اختلاف کا حل کیا ہوگا؟ قرآن اور حدیث، یہی معیار ہے، اور اسی کے مطابق اختلاف کا حل نکلے گا۔ قرآن مجید میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ فرمایا اللہ نے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، مسائل میں اختلاف پیدا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہاں ایک لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، کیا ہے لفظ؟ لفظ شے، اور یہ نکیرہ استعمال ہوا ہے اور نکیرہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی صرف قرآن مجید کے مطابق جو جھگڑا ہے اس کا حل نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی مسئلے میں ہو،
या वो मसाला दुनियावी हो या मसाला दीनी हो, अगर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाही वर रसूल, अपने लड़ाई को, अपने झगड़े को, अपने तनाजे को कुरान मजीद और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक लौटाओ, इंशाल्लाह तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे, तुम्हारे तनाजात हल हो जाएंगे। फइन तनाजअतुम फी शयइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, इख्तिलाफ का हल कुरान मजीद और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इसका मतलब यह है कि जब लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, फैसला देखा जाएगा कि कौन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के करीब है और कौन कुरान मजीद के मुताबिक करीब है। जो करीब है उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा और जो दूर है उसके मुखालिफ फैसला किया जाएगा, बताया जाएगा। कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, अगर ऐसा किया जाए तो हमारे इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं, इख्तलाफ का हमारे हल हो सकता है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया, तरक्तु फीकुम अम्रैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती। ऐ लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान फिके मालिकी को नहीं छोड़े जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान फिके हम्बली को नहीं छोड़े जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान फिके हनफी को नहीं छोड़े जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान फिके शाफी को नहीं छोड़े जा रहा हूँ। क्या छोड़े जा रहा हूँ, तरक तूफी कुमरेन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा हूँ, माता मसक तुम भी हिमा किताब अल्लाह व सुन्नती, मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब और कुरान मजीद और अहादीस मुबारका का ज़खीरा छोड़कर जा रहा हूं। लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। गुमराही से बचने के लिए, सही रास्ते पर गामजन रहने के लिए, एक इंसान के लिए, एक मुसलमान के लिए यह अशद लाजमी व जरूरी है कि वह कुरान मजीद को और अहादीस मुबारका को लाजिम पकड़ ले। और कभी भी अपने दरमियान इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश ना करें। तो बहरहाल एक दूसरा सबब ज़वाल उम्मत का इख्तलाफ है, और आपने इसके ताल्लुक से कुरान मजीद से, कुरान मजीद की रोशनी में और अहादीस मुबारक की रोशनी में समाअत किया। एक आखिरी बात, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, तकरीबन 6-7 चीज़ें हैं, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिले तो इन चीज़ों को गिनाया जाएगा। एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आखिरी सबब उलमा से बदज़नी और उलमा कराम से दूरी, ये वक्त का तकाज़ा है। आज समाज में, मुआशरे में ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो मुसलसल उलमा पर तंज़ो नश्तर छोड़ रहे हैं, उनको हकीर नज़रों से देख रहे हैं। माफ़ करना, मेरा इशारा किसी एक की जानिब नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के वो सभी लोगों पर है जो उलमाए कराम को हकीर नज़रों से देखते हैं। वक्त का तकाजा है उलमा से करीब होना। पहली बात, दावत ये सिर्फ उलमा के लिए फ़र्ज़ नहीं है, ये मैं बात इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में बड़े ही ईमान के साथ और बड़े ही यकीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दावत व तबलीग का काम होता है, और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बिलखसूस जो सोशल नेटवर्क है, इस मस्जिद से होने वाले दुरूस से बड़ा फ़ायदा उठाता है, और इसका मुशाहदा बिलखसूस हम हैदराबाद में भी देखते हैं और बैरून हैदराबाद भी देखते हैं, बल्कि तेलंगाना और बैरून तेलंगाना में भी देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दावत का काम उलमा का भी है और अवाम का भी है। उलमा इल्म की रोशनी में दावत का काम करते हैं, ये अच्छी चीज़ है, मगर
जो शख्स आलिम नहीं है और अगर उसको इल्म है तो इल्म से तजावुज ना करते हुए जितना इल्म है वो उतनी चीज पेश कर सकता है। अगर किसी चीज की इफ़हाम और तफहीम ना हो तो उलमा से रुजू कर सकता है। लेकिन आज समाज में मुआशरे में एक ऐसा तबका है, उलमा को यकसर भुला दिया, उलमा से यकसर मुनकते होकर फतवे देना, उलमा को हकीर समझना, उलमा पर तंज कसना, उलमा को बुरा भला कहना, ये एक ऐसा गिरोह पैदा हो रहे हैं। आगे जाकर ये बड़ा फितना साबित हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है उलमा से रुजू हो, और उलमा के लिए भी लाजिम है कि वो अपने अवाम से जुड़कर रहें, अपने अवाम से अलग थलग ना होकर रहें, बल्कि उनके मसाइल को जानने की कोशिश करें और उनके मसाइल का हल कुरान और हदीस के रोशनी में बताने की कोशिश करें। ये उलमा पर भी जरूरी है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतज़ान यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा हत्ता इज़ा लम यबक़ आलिमन इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला फसुइलू फअफ्तौ बिग़ैर इल्म फज़ल्लू वअज़ल्लू। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दीनी इल्म को, शरीई इल्म को उलमा के दिलों से, अवाम के दिलों से निकाल कर खत्म नहीं करेंगे। वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इल्म को उलमा की वफात के जरिए रूए जमीन से खत्म कर देंगे। जब कोई भी आलिम दीन, आलिम रब्बानी बाकी ना रहेगा, इत्तखज़न्नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, फसुइलु उनसे सवाल किया जाएगा, लोग उनसे सवाल करेंगे, फअफ्तौ बिगैर इल्म ये बगैर इल्म के फतवा देंगे, फज़ल्लु व अज़ल्लु खुद गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह कर देंगे। और आज ये मसाइल रूनमा हो रहे हैं। आज कहा जाता उलमा फितनों को भांपने वाले नहीं है, उलमा फितनों को जानने वाले नहीं है, नहीं जान सकते, क्योंकि वो दुनिया पर उनकी गहरी नजर नहीं है। बात गलत है। दुनिया में जब कभी भी फितना रूनमा होता है, उसको जानने वाले, पहचानने वाले, उसके मुताबिक रद्द करने वाले उलमा-ए-कराम का गिरोह होता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, الفتنة اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاهل। فتنہ جب پیدا ہوتا ہے تو علماء جان لیتے ہیں یہ فتنہ ہے امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنے کے لیے, امت مسلمہ کی بربادی کے لیے نکلا ہے, اور پھر اس کے خلاف رد پیش کرتے ہیں۔ واذا ادبرت عرفها كل جاهل, جب فتنہ آ کر چلا جاتا ہے جاہلوں کو تب معلوم ہوتا ہے یہ فتنہ تھا۔ आप गौर फरमाएं, अगर उलमा काम ना करते तो आज सही रास्ते पर कौन होता? इमाम बुखारी रहमतुल्लाही अलैह, उलमा की बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें होती हैं, उनके जुहूद, उनकी मेहनत, उनकी काविश बड़ी होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाही अलैह, उनकी किताब الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه, उनकी किताब का नाम है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब को लिखने के लिए कितने साल का अरसा लगाया, कोई बता सकते हैं? तकरीबन 16 साल का अरसा उन्होंने लगाया, और कई लाख अहादीस से उन्होंने इन हदीस का इंतखाब किया है, तब जाकर यह सही बुखारी मंजर आम पर आ गई। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाही अलैह, बड़े जलीलुल कदर आलिम दीन, आज भी उनके नाम से कुफर और बिदअतियों के ऐवानों में लर्जा तारी हो जाता है।
उनकी किताबों का नाम सुनकर ही उनकी परेशानी लायक हो जाती है। जब भी मसला फितना पैदा हुआ, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने उनका रद किताबों से दिया, कुरान मजीद से दिया। अस्मा व सिफात में बातें की जाने लगी तो इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का इल्म का जखीरा तो देखो, नमाज असर पढ़कर बैठ गए और किताब लिखना शुरू किया। नमाज मगरिब से कबल उन्होंने किताब की तसनीफ फरमा दी, जिस किताब को आज हम और आप अकीदतुल वास्तिया के नाम से जानते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाने लगी, नबी पर सब शतम का मुजाहरा किया जाने लगा, रुए जमीन पर सबसे पहले किताब लिखने वाले इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि, उन्होंने किताब लिखी अस्सारिमुल मसूल अला शातिमिर रसूल। जो भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब शतम का मुजाहरा करता है उसकी गर्दन को तन से जुदा किया जाएगा। किताब और इसी तरह बहुत सारे उलमाए कराम ने बहुत सारी किताबें तसनीफ फरमाई उम्मत मुस्लिमा की रुश्दो हिदायत के लिए, सही तरीके पर सही रास्ते पर गामजन होने के लिए। तो उलमा की मेहनतें, उनकी काविशें, उनकी जद्दोजहद अपनी जगह है। इसीलिए कभी भी उलमा से बदजनी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, इनकी मेहनतें सिर्फ और सिर्फ हुसूल इल्म के लिए होती है और नशर इल्म के लिए होती है, इल्म को हासिल करना और इल्म को फैलाना। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, क्या कहा गया, इला मता ततलुबुल इल्म, ऐ अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहो इल्म को कब तक हासिल करते रहोगे। क्या कहा, काला हत्तल ममात इंशाल्लाह, मैं मौत तक इल्म को हासिल करता रहूंगा, ये उलमा की शान है। इसी वजह से आज बहुत सारे किताबें मंजर आम पर आई हैं, उनकी किताबें, उनके फतवे, उनके मसाइल हमें पढ़ने को नसीब होती हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं हैज के ताल्लुक से, कहते हैं मैंने हैज के ताल्लुक से तकरीबन 9 साल पढ़ा। कितने साल, 9 साल पढ़ा, 9 साल के बाद मुझे मालूम हुआ हैज क्या चीज होती है। और उसी के मुताबिक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अहमा कराम ने फतवा दिए, फैसले सुनाए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से ही आता है, वो कहते हैं तकरीबन 30 साल तक मैं कोई नरमो गुदाज बिस्तर पर नहीं लेटा, नहीं सोया, बल्कि मैं हमेशा चटाई पर और जमीन पर सोया करता था। कितने साल, 30 साल तक वो भी इल्म को हासिल करते रहे। तो ये उलमा की मेहनतें हैं, उनकी मशक्कतें, यही वजह अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, रुए जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से सही मानों में, यकीनी मानों में अगर डरने वाला कोई गिरोह है तो वो उलमा कराम का गिरोह है। एक सवाल है, क्या गैर उलमा अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं डरते, डरते या नहीं डरते, डरते हैं, मगर इल्म की बुनियाद पर जो डर जो खौफ उलमा के दिलों में होता है, वो खौफ वो डर गैर उलमा के दिलों में नहीं होता। इसीलिए उलमाए कराम के साथ मिलकर रहना यह जरूरी है। कुरान मजीद अगर पढ़ना नहीं आ रहा है तो उलमाए कराम से सीखो या हाफिज कुरान से सीखो, इसमें कोई भी हरज की बात और शर्म की बात नहीं है। हदीस मुबारक पढ़ने नहीं आ रहा है तो आप उलमा से पढ़ सकते हैं, उलमाए दीन से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर इफाम और तफहीम फहम नहीं मिल रहा है तो उलमाए कराम से सीखने की जरूरत है। अगर उलमाए कराम से बजन होकर, उलमाए कराम से चिढ़कर अलग हो जाएं तो फिर दीन का फहम सही मानों में कैसे हासिल कर सकते हैं। दीन का फहम, दीन की समझ इस रुए जमीन पर उलमा को है, इसीलिए उलमा से जुड़ा जाएगा, उलमाए कराम से रब्त रखा जाएगा, उनसे इल्म को हासिल किया जाएगा, अहादीस का और कुरान मजीद का फहम उनसे लिया जाएगा, उनसे सीखा जाएगा। अगर नहीं तो फिर इंसान, इंसानियत जलालत और गुमराही के रास्ते पर चली जाएगी। इब्ने उसैमैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक हदीस है हब्बतु सौदाई, काले दाने ये सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए क्या है, शिफा है। हब्बतु सौदाई दवाउन लिकुल्ली दाइन,
हर बीमारी के लिए क्या है? शिफा है। एक गैर आलिम ने इस हदीस को पढ़ा, मगर एक नुक्ते का फर्क हुआ। हब्बतुस सौदाई, उसने पढ़ा हय्यतुस सौदाई। हब्बतुस सौदा माने कलौंजी, काले दाने। हय्यतुस सौदा, हब्बा हय्या में फर्क है। हब्बा माने दाना, हय्या माने सांप। उसने पढ़ा हय्यतुस सौदा, काला सांप। लिकुल्ली दवा उन लिकुल्ली दाइन, काला सांप ये हर बीमारी के लिए शिफा है, दवा है। लिहाजा वो गया, सांप को कुचला और कुचल कर उसको खा लिया और मर गया। एक मर्तबा पढ़ने के बाद इसके फहम के सिलसिले में अगर किसी आलिम दीन से रुजू हो जाता, उसकी जान बख्त जाती, जान बच जाती। फहम ना होने की वजह से कुलौंजी खाने की बजाय एक नुक्ते की फर्क से वो क्या खा लिया? सांप खा लिया और अपनी जान गंवा बैठा। उलमा से रब में रहने के बड़े फायदे हैं, इसीलिए जरूरत इस बात की है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, आम हो, खास हो, दीनी इल्म का काम करने वाले हो, वो उलमा से रब में रहें। इसके नताइज इंशाल्लाह बेहतरीन समर आवर आ सकते हैं, अच्छे फायदे मिल सकते हैं। मोहब्बत का जो खला है वो पुर हो सकता है, मोहब्बत आपस में पैदा हो सकती है। उलमा इकराम में और दीगर जो गैर उलमा इकराम है उनके दरमियान एक रब पैदा हो सकता है, एक उल्फत और मोहब्बत पैदा हो सकती है। मैं एक वाकया पढ़ा था, आरएसएस का एक वफ्त उंदुलुस गया और जाकर वहां ये जानने की कोशिश की कि क्या बात है। यहां पर मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की तकरीबन, लेकिन आज मुसलमानों का नामो निशान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहला काम मुसलमानों को मिटाने के लिए जो किया वो ये था, उलमा से बदजनी पैदा करना अवाम के दरमियान, उलमा और अवाम के दरमियान बदजनी पैदा करना। हमने ये काम किया, मुसलमान उलमा से बदजनी शुरू की, मुसलमान उलमा से कटकर रहना शुरू किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारा ये काम आसान हो गया। और आज आपको मालूम है हिंदुस्तान में भी आरएसएस का वफ्त यही काम करने पर तुला हुआ है। तलाक सलासा का मसला, कितने उलमा इकराम इसमें मद्द मुकाबिल आ गए। बहुत सारे उलमा इकराम ने तो कहा अहले हदीस दहशतगर्द होते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, आपस में भिड़ गए। तो ऐसा करने की वजह से मुआशरे में तफर्रुका इख्तिलाफ पैदा हो जाता है और लोग उलमा से बदजन हो जाते हैं, उलमा से कट कर जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। जब उलमा से कट कर रहेंगे तो ये आरएसएस का जो ख्वाब है ये बआसानी हासिल हो सकता है। तो लिहाजा इस बात की जरूरत है कि हर मामले में, हर मसले में उलमा से जुड़ कर रहें, उलमा से कुरान के और हदीस का फहम समझने की कोशिश करें। तो मोहतरम भाइयों, ये जवाल उम्मत के तीन असबाब बुनियादी तौर पर मैं आपके सामने पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي